1962 में हुए भारत चीन युद्ध में रेजांग ला में लड़ी गई जंग भारतीय युद्ध इतिहास का एक सुनहरा पन्ना है। लेकिन ऐसी ही एक गौरवशाली जंग रेजांग ला के पास गुरुंग हिल पर भी लड़ी गई, जहां 18 गोरखा राइफल्स के जवानों ने चीनी सेना को मात दी। उस वक्त भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की सीमा की रक्षा के मकसद से फॉरवर्ड पॉलिसी को अमली जामा पहनाया था। फॉरवर्ड पॉलिसी का मकसद था हमारे मुताबिक सीमा के पास महत्वपूर्ण इलाकों को फिजिकली कब्जे में लेना। इससे पहले चीन ने कई सीमा रेखाएं दिखाई और दावा किया कि वो अक्साई चीन के इलाके में उनकी सीमा है। अब ये साबित करने के लिए कि वो इलाका आपका है, आप वहाँ खुद मौजूद रहते हैं, ये केवल झंडा दिखाने जैसा है। ये सभी चौकियाँ सामरिक दृष्टि से नहीं बनाई गई थी और ना ही सीमा की रक्षा करना इनका मकसद था। इनका मकसद सिर्फ इतना था कि हम यहाँ मौजूद हैं और ये भारत का हिस्सा है। अक्टूबर 1962 में चीन ने लद्दाख और निफा में हमला किया। निफा के मुकाबले लद्दाख में भारतीय फौज की तैयारी बेहतर थी और इसकी एक वजह थी लद्दाख में मौजूद अफसरों को इलाके की पूरी जानकारी होना। पहला हमला 20 अक्टूबर 1962 को दौलत बेग ओल्डी में हुआ। इस इलाके का जिम्मा 14 जैक मिलिशिया पर था। चीन के इस हमले का जवाब 14 जैक मिलिशिया के जवानों ने पूरी बहादुरी से दिया, लेकिन अंत में चीन के संख्या बल के आगे वो हार गए। दौलत बेग ओल्डी सेक्टर और गलवान घाटी इलाके में चीन के हमले के बाद में जो सैनिक बच गए वो अपनी पोस्ट को छोड़ दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़ गए, सिवाय एक लद्दाखी सैनिक स्कॉलडोंग डोरजे के। 14 जैक मिलिशिया का ये सैनिक घायल था और एक बंकर में इस उम्मीद में 6 महीने तक रहा कि उसके साथी उसकी तलाश में वापिस आएंगे, लेकिन साथी अप्रैल 1963 में लौटे। लेकिन डोरजे के दृढ़ संकल्प और जज्बे ने ठंड और चीन के हमला करने की संभावना को मात दे दी। डोरजे की बहादुरी की कहानी अपने आप में ही एक वीर गाथा है और भारतीय सेना के इतिहास का सुनहरा पन्ना है। दौलत बेग ओल्डी में भी सेना को पीछे हटना पड़ा, लेकिन एक सैनिक पीछे रह गया और मैं उससे शायद 1980 में मिला। उसने बताया कि वो हर सुबह झंडे को निकालता था और सलामी देता था। दौलत बेग ओल्डी में भारत का झंडा हमेशा ही लहराता रहा। अक्टूबर में हुए इस हमले के बाद चीन ने 18 नवंबर को एक बार फिर आक्रमण किया। इस बार हमला चुशुल में गुरुंग हिल पर हुआ। 18 गोरखा राइफल्स की दो कंपनियां यहां मौजूद थीं, जिन्होंने कैप्टन पीएल खेर के नेतृत्व में चीनी सेना का डटकर मुकाबला किया। लेकिन चीनी फौज से एक के बाद एक हमले ने उन्हें भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कैप्टन खेर ने पीछे हटकर भी चीनी हमले को सेकंड लेफ्टिनेंट एसडी गोस्वामी की मदद से असफल कर दिया। लद्दाख सेक्टर में चीन भारत के वीर सैनिकों को नहीं हरा सका और 21 नवंबर को युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई।